एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ही तन्यता और ध्यान से उनकी बातें सुना करता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार त्याग कर जीवन में परम लक्ष्य प्राप्ति के उपदेश दिया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और कहने लगा, तथागत, मैं लगभग एक माह से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपके कहे गए प्रत्येक वचन सत्य है, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, ये बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, श्रावस्ती का रहने वाला हूँ मैं। बुद्ध ने पूछा, वह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने दूरी बताई। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ से कैसे जाते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी पर बैठ कर जाता हूँ। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, कितना समय लगता है यहाँ से? हिसाब लगाकर उस व्यक्ति ने बता दिया। तब बुद्ध ने अंतिम प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ बैठे बैठे भला वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? इसके लिए तो चलना ही पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, सही कहा आपने, चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव तभी पड़ता है जब उन पर चला जाए, उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए और उनके अनुसार आचरण किया जाए। मात्र उपदेश सुन लेने भर से कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ गई थी। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वह आगे से उनकी कही गई बातों का अनुसरण करेगा और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलेगा।